1971 का वो युद्ध जिसमें पाकिस्तान के सामने मौत बनकर खड़ा था भारतीय नौसेना का INS विक्रांत, और इसी युद्ध में दुनिया ने भारतीय नौसेना की ताकत देखी। बताते हैं आपको कि क्या है INS विक्रांत का इतिहास, साथ ही जानेंगे कि 1961 से 2022 के विक्रांत में कितना बदलाव आया है। INS विक्रांत भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे 1943 में ब्रिटिश रॉयल नेवी के लिए HMS हरक्यूलस के रूप में बनाया गया था। इसे 1985 में ब्रिटिश रॉयल नेवी में शामिल किया गया था। वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने के बाद इसे 1957 में अधूरा ही भारत को बेच दिया गया, और सन 1961 को ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारत पहुंचा, जिसके बाद ये भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया। उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर INS विक्रांत था, जो सही भी साबित हुआ, और उसे अपनी PNS गाजी पनडुब्बी से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ा। INS विक्रांत ने 36 साल देश की सेवा की, और आखिरकार साल 1997 में इसे रिटायर कर दिया गया और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर एक संग्रहालय के रूप में रखा गया। 2013 में केंद्र सरकार ने जहाज को स्क्रैप करने का फैसला किया, क्योंकि इसका रखरखाव करना बहुत महंगा पड़ रहा था। कुछ समूह के विरोध के बावजूद जहाज को दारूखाना शिप ब्रेकर को 60 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। अब इसके नाम पर स्वदेशी विक्रांत तैयार किया गया, जो 2 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। चलिए अब बताते हैं आपको कि 2022 वाला विक्रांत कितना आधुनिक हुआ है 1961 वाले विक्रांत से। पुराना INS डिस्प्लेसमेंट का डिसमेंटल 16,000 टन था। ये मात्र 700 फीट लंबा था। इसकी बीम 128 फीट की थी। वहीं अगर ISC विक्रांत की बात करें तो उसका डिस्प्लेसमेंट 25,000 टन है, 882 फीट लंबा है। बीम 203 फीट, इसकी ऊंचाई 194 फीट है। INS विक्रांत 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, जबकि INS विक्रांत 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से समुद्र को चीरता हुआ निकलता है। पुराने INS विक्रांत में जो इंजन लगे थे वो उसे 40,000 हॉर्स पावर की ताकत देते थे, जबकि ISC विक्रांत में लगे इंजन उसे 1.10 लाख हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। पुराने विक्रांत पर कुल मिलाकर 1,110 ऑफिस या नौसैनिक रह सकते थे, जबकि नए विक्रांत में 1,700 नेवी ऑफिसर्स या कर्मचारी रह सकते हैं। 1961 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए INS विक्रांत में पहले 40 मिलीमीटर की 16 बुफोर्स एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी थी, जिन्हें बाद में घटाकर 8 कर दिया गया था। इसके अलावा इस पर हॉकर सी हॉक, सी हैरियर फाइटर जेट तैनात थे। इसके अलावा सी किंग MK-42B और HAL-6 तक हेलीकॉप्टर तैनात थे। इसके अलावा ब्रेग्ड एलीज BR-1050 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट भी तैनात था। पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर पर अधिकतम 23 विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते थे। वहीं अगर ISC विक्रांत की बात करें तो ये 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। पुराने विक्रांत पर फाइटर जेट के उड़ान के लिए कैटापल्ट ऑक्सीटेड टेकऑफ यानी COTA का भी इंतजाम था, जो बाद में बदलकर 9.75 डिग्री स्की जंप कर दी गई। ISC विक्रांत में स्टोबार लॉन्च सिस्टम है, इसका मतलब है कि शॉर्ट टेकऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, साथ ही स्की जंप भी। नए विक्रांत का डिजाइन और निर्माण दोनों ही देश में किया गया है। इसे बेहतरीन ऑटोमेटेड मशीनों, ऑपरेशन शिप नेविगेशन और बचाव प्रणाली से लैस किया गया है। इसे बनाने में कोचीन शिपयार्ड के साथ साथ 550 भारतीय कंपनियों ने मदद की है। इसके अलावा 100 MSME कंपनियां भी शामिल थी। इस युद्ध पोत के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग कंपनियों ने बनाया है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारतीय नौसेना लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए लॉकेट फैक्ट्स को, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंचे।